हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा ये थाल पोसला हूँ बना के। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम उंगली पे रखेंगे उनको और इस तरह से देखिए रखेंगे और अब इसे ढीला कर लेंगे और इसी के बीच से हम डालेंगे देखिए कुर्सी को और इसे निकाल लेंगे साइड। अब हम यहाँ पे देखिए चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार चेन बना के और इसी बीच से हम डबल क्रोशे बनाएंगे, एक फिर से वन चेन लेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से एक चेन और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इसी बीच से। तो इसी तरह टोटल हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हो गया मेरा, तो डबल क्रोशिया बना ली हूँ मैं 11, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब यहाँ पे वन चेन लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे, इसे खींच लेंगे, एक दो तीन, तीसरे चेन में डाल के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक दो तीन चेन लेके इसी जगह बना लेंगे डबल क्रोशिया, एक दो चेन लेंगे और एक ये जो डबल क्रोशिया हमारा है यहाँ पर से बनाएंगे हम चेन में से बनाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक और बना लेंगे दो, फिर से एक दो चेन लेंगे और यहाँ से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, फिर से दो चेन, एक और दो चेन लेके सेम यहाँ पे बनाएंगे, सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा दूसरा राउंड हो गया है और यहाँ पे अब हम यहाँ पे फिर से एक दो तीन तीसरे चेन में डाल के स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से एक दो तीन चेन लेके इसी जगह बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, एक और ये जो हमारा है अब यहाँ पे हम बना लेंगे, एक इस जगह बना लेंगे तीन, एक दो तीन हो गया डबल क्रोशिया। फिर से एक दो तीन, सॉरी दो डबल दो चैन लेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक और बना लेंगे। फिर से ये जो हमारा डबल क्रोशिया चैन है इसमें से एक बनाएंगे, दो इसमें से बनाएंगे, एक इसमें से बनाएंगे, दो चेन में से तीन बनाएंगे हम। फिर से एक दो, दो चेन लेंगे सेम इसी तरह बनाएंगे, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे इस जगह पे, एक और बना लेंगे दो और अब इसमें हम एक बना लेंगे, तीन हो गया। फिर से एक दो, दो चेन लेके ये देखिए सेम फिर से इसी तरह हम रिपीट करेंगे यहाँ पे, तो राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे देखिए तीसरे चेन में डाल के स्लिप करेंगे और एक दो तीन चेन लेंगे और इसी जगह बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर से एक और दो, इन दोनों में एक एक बना लेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चेन लेंगे यहाँ पे अब हम। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही में से एक और दो, और एक दो ये जो हमारा दो है इसमें से हम एक एक बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर से एक
दो तीन चैन लेंगे और फिर यहाँ पे दो डबल क्रोचे बनाएंगे। ये देखिए, और इन दोनों में से एक एक बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा चार राउंड, ये चौथा राउंड कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दी हूँ तीसरे चैन में डाल के, और अब हम यहाँ पे फिर से चैन लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेके फिर से देखिए इसी में से बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक दो तीन, ये जो तीन हमारा है इनमें से हम एक एक बना लेंगे, एक दो तीन, फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और यहाँ फिर से देखिए इनमें यहाँ पे हम जो ये हमारा डबल क्रोशिया है चैन, इनमें से इस जगह से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बना लेंगे दो, बाकी एक दो तीन में हम एक एक बना लेंगे, एक दो तीन। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल सा है ये डिज़ाइन आएगा निकल के बन के, और आपको हर बार जो है इस जगह से हमें दो डबल क्रोशिया बनाना है चैन में। देखिए जैसे यहाँ पे मैं दो डबल क्रोशिया बना रही हूँ एक चैन में से, और बाकी इन सब में एक एक बना रही हूँ, तो इसी तरह आगे भी रिपीट होगा, यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे हमारा चैन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हम तीन अभी ली हूँ, तीन की जगह चार, आपको अगर टाइट ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर चार ले लें, पाँच छः, इसी तरह हमारा जो है यहाँ पर चैन बढ़ा लें आप इस जगह पर, और बाकी सेम यहाँ पे सेम चीज़ होगा बनेगा। यहाँ पे देखिए इस जगह से हमें डबल क्रोशिया बढ़ाना है, यहाँ एक से स्टार्ट हुआ था, एक दो हुआ डबल क्रोशिया, तीन और यहाँ पे चार और यहाँ पे पाँच, तो इसी तरह हमारा यहाँ पे डबल क्रोशिया बढ़ते जाएगा, और डबल क्रोशिया हमें इसी साइड से बढ़ाना है, इस साइड से नहीं। तो मैं आपको टोटल यहाँ पर 10 राउंड बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह यहाँ से गिनेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, टोटल जो है 10 राउंड बनाए हूँ मैं यहाँ से। और यहाँ पे दो तीन, देखिए दो दो का, ये दो दो का बनाए हूँ चैन, और ये तीन चार पाँच और ये छः हमारा है छठवां चैन लेके मैं बना रही हूँ, छः, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेके बना, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे वो डाल के, और अब हम यहीं पे वाइट ऊन को लगाएंगे। आप चाहे तो इस एक ही कलर में बना सकते हैं एक कलर में, मैं यहाँ पे दो कलर लगा रही हूँ वाइट, चैन बना लेंगे एक दो, एक और बना लेंगे तीन, इसी जगह पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक यहाँ से हम बनाएंगे इस जगह से, एक दो तीन हो गया, चार, एक और बना लेंगे पाँच, पाँच चैन में हम एक एक बना लेंगे चार चैन में। और अब हम यहाँ पे देखिए दो चैन को हाफ अप डबल क्रोशिया निकालेंगे, एक हो गया, एक और निकालेंगे दो, और इसे अब एक साथ निकाल देंगे इस तरह से, फिर से इन सब में एक एक बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक करके बना लेंगे, दो तीन चार पाँच। देखिए अब हम यहाँ पे देखिए चैन लेंगे, एक दो तीन
चार पाँच छः चैन लेके यहाँ पे हम बनाएंगे दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही जगह से, एक एक और बना लेंगे, दो। अब एक दो तीन, तीन में हम एक एक बना लेंगे, एक हो गया, दो दो तीन, टोटल हमें यहाँ पे पांच डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार पाँच। अब हम यहाँ पे दो में एक हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, और इसे अब एक साथ निकाल देंगे। अब फिर से हम इन पांचों में बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच। अब छः चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन लेके फिर से सेम, ये देखिए यहाँ पे मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है बनके। और अब हम यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीसरे चैन में डालेंगे क्रोशिया को और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और फिर से हम यहाँ दूसरे चैन में हम सिंगल क्रोशिया लेंगे बना लेंगे इस तरह से, सॉरी यहाँ पे डाल के दूसरे चैन में एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर से एक दो तीन चैन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए उसके बगल वाले चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह हम यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच में बना लेंगे, ये लास्ट का चैन छोड़ देंगे, इसमें नहीं बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट यहाँ छोड़ दिए हैं हम। अब एक दो चैन लेके यहाँ पे हम डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो चैन लेके यहाँ पे हम ये चैन स्किप करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे चैन, एक बना लेंगे डबल क्रोशिया। देखिए इस साइड और इस साइड हमें एक एक चैन स्किप करना है, बाकी बीच में जो हमारा डबल क्रोशिया है हर एक चैन में से एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया राउंड, और ये हमारा लास्ट है। तो यहाँ पे हम एक दो तीन चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, और फिर से एक और दो चैन लेके एक एक दो तीन तीसरे चैन में डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर से ये जो हमारा है चैन यहाँ पे भी डाल के हम एक स्लिप स्टिच करेंगे क्रोशिया को। और अब हम यहाँ पे थ्री चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेके एक दो तीन चार पाँच छः में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे छः चैन में, यहाँ तक हम यहाँ पे वन चैन स्किप कर देंगे और यहाँ तक बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा टोटल जो है सेवन डबल क्रोशिया है, सात। और अब हम यहाँ पे एक, यहाँ पे हम एक चैन स्किप कर दिए हैं इस साइड, दो तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेंगे और इसके बीच के यहाँ पे हम सेवन सॉरी सिक्स डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके बीच से, एक हो गया है, दो तीन चार पाँच छः, फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और यहाँ पे वन चैन स्किप करेंगे और इस यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। टोटल्स यहाँ पे हमें सात डबल क्रोशिया बनाना है, सेवन इस साइड और इस साइड हमें एक एक चैन स्किप करना है, बाकी इन सब में एक एक बना लेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखिए थ्री चैन लेके यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे सिक्स, सेम इस तरह से,
तो इसी तरह राउंड देखिए कंप्लीट करेंगे ये। ये देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है, वाइट कलर का तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया है इस तरह से। और अब हम यहाँ पे देखिए तीसरे चेन में डाल के इसे स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो और एक तीन यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से हम एक यहाँ से स्लिप स्टिच करेंगे, तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद हम एक दो तीन चार में बना लेंगे डबल क्रोशिया, तीन चार पाँच, टोटल हमारा पाँच डबल क्रोशिया हो गया इसे चैन को लेके। अब हम यहाँ पे देखिए एक दो दो तीन चैन लेंगे, तीन चैन लेके अब ये हमारा जो देखिए ये चैन है क्रोशिया का यहाँ पे डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और फिर से इसी जगह बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे हम एक दो तीन तीन चैन लेके यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया और फिर से एक दो तीन चैन लेंगे यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और यहाँ पे वन चैन स्किप करेंगे यहाँ पे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। यहाँ पे हमें हर बार जो है एक एक चैन यहाँ पे स्किप करते जाना है, हर राउंड में हमें यहाँ पे चैन स्किप करते जाना है। अब हम फिर से सेम इस तरह से बनाएंगे ये जो अभी बनाए दो, ये देखिए इसी तरह राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे स्लिप स्टिच कर ली हूँ मैं तीसरे चैन में डाल के, और यहाँ पे हम डालेंगे क्रोशिया को और एक स्लिप स्टिच करेंगे, थ्री चैन लेंगे, एक दो तीन चैन लेके फिर से एक दो में बनाएंगे, एक हो गया और एक और बना लेंगे दो, टोटल हमारा थ्री चैन हो, थ्री डबल क्रोशिया हो गया तो तीन हो गया। अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्किप करेंगे चैन, एक दो दो चैन लेंगे और ये हमारा जो है देखिए ये जो डबल क्रोशिया का है, ये जो डबल क्रोशिया का चैन है यहाँ पे हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अब हम यहाँ पे बनाएंगे टोटल फाइव डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच, एक और बना लेंगे पाँच। अब एक यहाँ पे बनाएंगे देखिए यहाँ पे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया टोटल हमारा डबल क्रोशिया। फिर से एक यहाँ से बनाएंगे, अब ये जो डबल क्रोशिया है इस चैन से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे भी हम सात डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके अंदर पाँच बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, और एक यहाँ से बनाएंगे छः हो गया यहाँ पे लिख के इसे, एक दो तीन चार पाँच छः सात हो गया। और अब हम यहाँ पे देखिए दो चैन लेंगे, एक दो चैन लेके यहाँ पे वन चैन स्किप करेंगे, एक दो तीन में बना लेंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन, देखिए फिर से एक और दो चैन लेके सेम इसी तरह हम यहाँ पे जो बनाए हैं बनाई हूँ यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम बना लेंगे, तो राउंड जो है हमारा इसी तरह कंप्लीट होगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा राउंड कंप्लीट हो गया ये। और अब हम यहाँ पे दो चैन लेंगे,
यहाँ तीसरे चैन में डाल के स्लिप स्टिच करेंगे, एक दो तीन यहाँ पे डाल के स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पे हम लाएंगे अब क्रोशिया को इस जगह पे और स्लिप स्टिच करते हुए फिर चैन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन लेके फिर से इसी जगह बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से फिर से अब हम यहाँ पे देखिए एक दो दो चैन लेके सॉरी तीन लेंगे, एक एक और लेंगे तीन और एक यहाँ पे बनाएंगे। देखिए इन दोनों के बीच में जो ये चैन हमारा है यहाँ पे बनाएंगे एक एक दो तीन चैन लेंगे फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पे। ये देखिए फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और अब हमारा ये जो लास्ट का डबल क्रोशिया है उस वाले चैन में बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन लेके फिर से इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से बनेगा हमारा। तो इसी तरह देखिए फिर से यहाँ पे दो चैन लेंगे, एक दो दो चैन लेके ये जो हमारा एक दो तीन है ना यहाँ पे बीच वाले चैन में डाल के बनाएंगे, ये जो हमारा तीन डबल क्रोशिया है इसके बीच वाले चैन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक और दो चैन लेके यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। देखिए सेम इसी तरह बनाएंगे, ये अभी जो मैं बनाई हूँ यहाँ पे सेम इसी तरह यहाँ पे भी बना लेंगे। तो इसी तरह राउंड ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा राउंड ये कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे दो चैन लेंगे, एक और दो दो चैन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे तीसरे चैन में, एक और दो तीन तीसरे चैन में यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और इस तरह से फिर से यहाँ पे लाएंगे इस तरह से, एक यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे डाल के, एक दो तीन चैन लेंगे। ये देखिए यहाँ पे थ्री चैन लेने के बाद इसमें से हम बनाएंगे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हो गया दो टोटल सात डबल क्रोशिया बनाना है हमें, तीन चार पाँच, एक यहाँ से बनाएंगे छः हो गया और ये तीन का चैन जो है उसे सात हो गया लेके। अब हम यहाँ पे देखिए चैन लेंगे, एक और दो दो चैन लेंगे, दो चैन लेने के बाद फिर से सेम हम यही चीज़ यहाँ पे बनाएंगे। देखिए फिर से यहाँ पे दो चैन लेंगे, एक और दो चैन लेके सेम इसी तरह यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैं तीनों में बना ली हूँ और अब हम यहाँ पे देखिए एक हाफ सिंगल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, ये हमारा जो एक डबल क्रोशिया है यहाँ से उठाएंगे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से सेम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी तरह हम अब इन सब में भी बनाएंगे। तो राउंड जो है इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा राउंड जो है कंप्लीट हो गया ये बन के। तो अब हम यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करेंगे डाल के क्रोशिया को, और एक हम एक दो तीन तीसरे चैन में डाल के यहाँ पे करेंगे स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरह से वन चैन लेंगे और ऊन को काट देंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा बनके कंप्लीट हो गया दोस्तों।
अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।